Hey guys, good morning and welcome back to our channel. जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया कॉल आ गया भाई, एक मिनट होल्ड कर लेना। एक बार बस कॉल शुरू हो जाता ना भाई, दो पाँच दस मिनट फिर तो जड़ी लग जाती है। अभी 9 बजने में 10 मिनट है, मैं तो रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है, अभी खेड़ जा रहा हूँ सोर्सिंग के लिए। तो उसके वजह से मैं आज नहीं, मैं 2-3 दिन से जल्दी ही निकल रहा हूँ। कभी कभी हो जाती है, इतनी भी देर नहीं होती कि मैं लॉगिन नहीं कर पाता। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आई थिंक किया था गुड मॉर्निंग फिर भी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 17th of May और आज है वेंसडे। आज का प्लान एकदम सिंपल है। कल भाई साहब जो कटा है ना मेरा, वो वीडियो मैंने देखा, वीडियो एडिट करते हुए ना यार, 10 मिनट के लिए मैंने एक रिव्यू दिया था दहाड़ का, वेब सीरीज़ का, बट वो फोकस ही नहीं कर पाया। क्या हो गया उसको यार, कैमरा को ही ऐसा लग रहा है ना, पूरा दिन ही ख़राब चल रहा है। एक एक चीज़ ना ऐसी ख़राब होती जा रही है। इतना मैंने महीना से 10-15 मिनट बैठ के रिव्यू लिया था, आपको पूरा डिटेल में समझा रहा था, उसके से फोकस ही नहीं किया। अब फोकस नहीं किया तो उसको 10 मिनट का क्लिप विदाउट ऐसा ब्लर दिखेगा यार, वो भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने वो बोला यार छोड़ दो, हटा इसको, कट कर देंगे। अभी आज शाम या हो सकेगा पॉसिबल उस करके, तू बज ले भाई, तू बज ले। तो जैसे पॉसिबल होगा उस टाइम से मैं आपको वो रिव्यू दे दूँगा। क्या करे यार, इतना कचकच हो रहा है ना लाइफ में, इतना कचकच चल रहा है ना लाइफ में, तो क्या ही बताओ भाई। ऊपर से ना ये 4-5 दिन से ना तो यहाँ पे ड्रिल चल रहा है, आई थिंक एयरफोर्स वालों का, जो जेट प्लेन जो घूम रहे हैं ऊपर में, इतनी आवाज़ आ रही है उनकी रात में, सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उनका ड्रिल स्टार्ट होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है और लेट इवनिंग चलते रहता है। तो बहुत ही यानी बहुत नॉइज़ होते रहता है यहाँ पर, बहुत नॉइज़ पोल्यूशन है इस जगह पर। मुझे लगा थोड़ी राहत मिल जाएगी, औरंगाबाद में थे तो इतना धूल मिट्टी आता था, धूल मिट्टी तो अभी भी आता है। घर में ना ऐसे बैठ जाओ कहीं पे तो ऐसे हाथ भी निकाल दो ना, ऐसे ना मिट्टी लगना शुरू होता है, इतना धूल है भाई। क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत सारा सोसाइटी बन रहा है, बहुत सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे तैयार हो रहा है, उसके वजह से इतना धूल इतना मिट्टी चलते रहता है ना यार, उसको तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आज का दिन तो स्टार्ट कर दिया है हमने, कॉल स्टार्ट हो चुका है, तो अभी जाते हैं नीचे, वहाँ पे जाके पार्किंग करते हैं और फिर आगे का प्लानिंग डिसाइड करते हैं। क्योंकि आज अपने को भी आज बहुत काम है, तो वो भी कब ख़त्म करना है, वो भी निपटाना है, तो जितना हो सकेगा पॉसिबल उतना बेस्ट पॉसिबल आज निपटाएंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अभी 17th में, आज 17 तारीख है, बचा कुचा सिर्फ 8 से 10 दिन है मंथ ख़त्म होने के लिए। अगर ये मंथ निकल गया तो भाई मेरी लग जाएगी, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी लग जाएगी। करते रहो, कोशिश करते रहो, जैसे गीता भगवद्गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो, वैसे मेरा कुछ चल रहा है। ठीक है गाइस, क्या बोलती पब्लिक, अभी रात का बज रहा है 9:15। आज तो मुझे कुछ खाना नहीं था क्योंकि सर में दर्द था मेरे, फिर से माइग्रेन का छोटा सा अटैक आया, छोटू पिल्लू सा अटैक आया, गार्गी के हिसाब से ना छोटू पिल्लू सा अटैक आया यार, उसके चक्कर में मैंने खाना ही नहीं खाया। तो आज फिर से राजगुरु नगर गया था खेड़ में, वही कस्टमर से मिलना है, बात करना है, मीटिंग स्टॉप करके लॉगिंग करना है। रोज जा रहा हूँ, रोज वापस आ रहा हूँ, रोज जाना जाके वापस आ रहा हूँ भाई साहब। स्कूटर भी हार मान रही है कि भाई मेरे को बहुत ले रहे हो, बंद करो। एक अपडेट भी देना था, अपना कार का एक पार्ट है वो मिल ही नहीं रहा है, अवेलेबिलिटी है ही नहीं उसका। जो अपना गाड़ी का टेक केयर कर रहा है वो भैया का कॉल आके गया, बोल रहा था कि सर
जो पार्ट हमने वो जो पार्ट है वो आने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएगा, तो इस हफ्ते में गाड़ी मिलने वाला है। नेक्स्ट वीक में बोल रहा है कि सर ये इस वीक के एंड में वो पार्ट मिल जाएगा हमको, तो अकॉर्डिंगली उस पर कार पे वर्क होगा नेक्स्ट वीक में, तो तब तक गाड़ी वहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि है वर्कशॉप में गाड़ी तो ठीक है बोला यार, पर मेरे को गाड़ी अच्छा करके दो। मैं उसको हमेशा कॉल करता हूँ और हमेशा एक कॉल में एक ही बात बोलता हूँ कि भाई मेरे को कार जैसे शोरूम से निकाला था वही से ही कंडीशन में चाहिए, सर मिल जाएगा, वो भी ऐसा ही रिप्लाई कर रहा था। तो अभी देखते हैं उसका कब तक रेडी होता है और कब तक हमें कार दिखने के लिए मिल जाता है। वो कार के साथ में एक अलग सा अटैचमेंट है यार मेरा भी, और इन दोनों का भी एक अलग सा अटैचमेंट है। गार्गी ने भी एक दिन रो ही दिया था मेरी कार चली गई, और एक अटैचमेंट होता है कार के साथ में, मेरा अटैचमेंट है। तीनों का हम तीनों का फर्स्ट कार है जो हमने खुद जाके पसंद करके खरीदा हुआ है 2022। She's right, 31st December 2021 को गाड़ी हमने परचेज किया था, और हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरा तो खाना कुछ नहीं था, अभी भी सर में हल्का सा दर्द है, और अभी बाहर चलते हैं घूमने के लिए ठंडी ठंडी हवा में। नींद तो मुझे जम के नींद आ रहा है क्योंकि इतना एग्जर्शन हो रहा है, धूप है एग्जर्शन हो रहा है, उसमें ना यार काम में दिल ही नहीं लग रहा है, इतना स्ट्रेस आउट हो चुका हूँ। स्ट्रेस नहीं है, इतना फेड अप हो चुका हूँ, पूरा एनर्जी लॉस कर चुका हूँ, इतना प्रेशर चल रहा है, इतना चिक चिक चलता है ऊपर से, हर आदमी परेशान सा है, ऊपर वाला उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, हम हमारे नीचे वाला, सब परेशान। मेरा सड़ा हुआ मुँह देख के समझ ही सकता हूँ, बहुत परेशान।